एक छोटे से शहर के रहने वाले छन्नूलाल के मोबाइल की जब भद फिट गई तो नया फोन लेने के लिए इंटरनेट की शरण में पहुंचे। ऑनलाइन सेल का इंतजार किया, सेल आई तो दिल दिमाग और आंखें सब स्क्रीन पर गड़ाकर बैठ गए। पर फ्लैश सेल आंधी की तरह आई और तूफान की तरह चली गई। सेकंडों में बंटाधार हो गया और छन्नूलाल बैठे के बैठे रह गए। कोई बात नहीं, अगली सेल पर बुक कर लेंगे, ये कहकर खुद को दिलासा भी दिया, मगर अगले हफ्ते की सेल पर भी हाथ में कुछ नहीं आया। ये सिलसिला हफ्ते क्रॉस करके महीने में तब्दील हो गया। कभी पेमेंट फेल हुआ तो कभी बुकिंग के बाद ऑर्डर कैंसिल हो गया। छक मारकर आखिरकार छन्नूलाल मोबाइल की दुकान पर उसी फोन को खरीदने चल दिए जो उनको पसंद आया था, जिसे ऑनलाइन खरीदने की लालसा तो महीने में भी पूरी नहीं कर पाए थे। लेकिन ये क्या, यहाँ तो वही फोन 1500 रुपए महंगा मिल रहा है। दुकानदार बोला, भैया हमने खुद 1000 रुपए एक्स्ट्रा देकर मंगाया है, कुछ तो हम भी कमाएंगे, आप चाहो तो खुद ऑनलाइन ऑर्डर कर लो। अब छन्नूलाल को अगर फोन खुद ऑर्डर करना होता या कर लेते तो दुकान थोड़ी ना जाते। इन्होंने एक नजर अपने फोन पर डाली, उसकी चंद बची हुई सांसों को मजबूरी का नाम दिया और 14000 रुपए वाला फोन 15500 रुपए में खरीद लिया। हम आज आपको बताएंगे कि कैसे होता है ये स्मार्टफोन रीसेल का काम। पुराने मोबाइल फोन खरीदने और बेचने का धंधा तो स्मार्टफोन से भी पुराना है। लखनऊ के चारबाग स्टेशन के पास ही गोल मार्केट और हजरतगंज का श्रीराम टावर तो इसी का जमघट है, मगर नए फोन की रीसेल शुरू हुए करीब 4 साल हो गए हैं। तब फ्लिपकार्ट और अमेजोन छोटे शहरों में डिलीवरी नहीं करते थे, लोग दिल्ली के प्रवासी कामगारों के पास फोन ऑर्डर करवा देते थे और जब वो वहां से अपने घर वापस आते थे तो फोन भी लेते आते। शुरू में ये काम जरूरत मुताबिक लिमिटेड रहा, मगर अब तो बाद में मुनाफा कमाकर दूसरों को बेचने के लिए भी किया जाने लगा। फिर कुछ दुकानदारों ने इसी रीसेल का जरिया भी बना लिया। Xiaomi और Realme जैसी कंपनियां फ्लैश सेल पर अपने नए मॉडल बेचती हैं, यानी हफ्ते भर में जितना माल बनता है उतना ही ऑनलाइन लाकर एक फिक्स्ड डेट पर बेच देती है। स्टॉक कम होता है और खरीदने वाले ज्यादा, सेकेंडों में आइटम आउट ऑफ स्टॉक भी हो जाता है, खरीदना बड़ा मुश्किल होता है। यूपी के सीतापुर, लखीमपुर, शाहजहांपुर, बिस्वा, हरदोई और बदायूं जैसे Tier 3 शहरों में इन कंपनियों के ऑफिशियल स्टोर नहीं है और ना ही ये छोटे दुकानदारों तक अपनी डिवाइस पहुंचा पा रही है। ऊपर से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ऑनलाइन खरीदारी में यकीन नहीं रखते। ये लोग वही हैं जो फोन हाथ में लेकर चेक करके खरीदना चाहते हैं। बढ़ती हुई डिमांड को काउंटर करने के लिए इन छोटे शहरों के दुकानदार खुद ही मैदान में उतर आए, ऑनलाइन फोन ऑर्डर करते हैं फिर बेच देते हैं। पर कोई अकेला कितने फोन ऑर्डर करेगा, दूसरे लोगों के इस डिमांड को पूरा करने के लिए अपना योगदान देना शुरू कर और चल पड़ा ये कारवां। हमारे पुराने साथी हैं अदनान अंसारी, हैदराबाद के रहने वाले, फोन रीसेल का काम करते हैं। वो बताते हैं, Redmi Note 5 Pro 2018 में आया था, तब से ऑनलाइन फोन की रीसेल ने जोर पकड़ा था। यहाँ आज के टाइम पर तो Redmi और Realme फोन की एकदम लुटस मची हुई है, Infinix भी जोर पकड़ रहा है। दुकानदार तो बोलते हैं कि बस ले आओ, फर्क नहीं पड़ता कि एक हो या दो या 20 या 30, जितने हो सब ले आओ। कुछ लोगों ने तो इस काम के लिए एजेंट बना रखे हैं। ये एजेंट 16-17 साल के गली मोहल्लों में घूमने वाले लड़के हैं। इनको वो हर फोन बुकिंग का 200 रुपए देते हैं और फोन की डिलीवरी खुद लेकर दुकान पर बेच देते हैं। डिमांड वाले फोन की लिस्ट हर हफ्ते व्हाट्सएप पर शेयर की जाती है। इस लिस्ट में डिवाइसेस की सेल डेट भी लिखी होती है, इस स्क्रीनशॉट को देखिए। अब जिसने ऑनलाइन फोन ऑर्डर करने को अपना काम ही बना लिया हो उसे छन्नूलाल तो पछाड़ने से रहे, लेकिन फिर भी सब खरा खरा नहीं होता। फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर इतना ज्यादा ट्रैफिक हो जाने के चलते पेमेंट में दिक्कत आती है, वेबसाइट स्टॉक से ज्यादा ऑर्डर ले लेती है, फिर वो बाद में उन्हें कैंसिल भी कर देती है, यानी कि आपका ऑर्डर जो आपने प्लेस किया होता है वो भी कैंसिल हो जाता है। अदनान बताते हैं, Realme Narzo 10 की सेल पर 10 फोन ऑर्डर करवाए थे, उसमें से बाद में 8 फ्लिपकार्ट ने कैंसिल कर दिए, सिर्फ 2 ही मिल पाए थे। जहां गली मोहल्लों की दुकान में इस हाथ ले और उस हाथ दे वाला हिसाब चल रहा है, बड़े दुकानदार तो अलग ही लेवल पर खेल रहे हैं। ये तो फोन की डायरेक्ट डिलीवरी ही ले लेते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं जहां पर बता दिया जाता है कि इन्हें कौन सा फोन चाहिए, साथ ही ये भी कि फोन पर कितने पैसे देंगे। जब तक कंपनियां फ्लैश सेल पर ज्यादा फोन लेकर नहीं आती और जब तक छोटे छोटे शहरों की दुकानों पर अपने फोन की डिमांड को पूरा नहीं कर देती, छन्नूलाल महंगा फोन ही खरीदते रहेंगे। और छन्नूलाल कौन, आप और हम। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी फैसल ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए दी लल्लन टॉक।
आपको सेहतमंद बनाने, हेल्थ की दुनिया के सब हाल बताने, आपको आपकी बॉडी के और करीब लाने, एक्सपर्ट्स के जरिए आपकी अवेयरनेस चमकाने, तंदुरुस्त रहना होगा नई लत। देखिए द ललन टॉक पर सेहत बहुत जल्द।